दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए स्वास्थ्य विभाग बम्पर भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एनएचएम भर्ती के लिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। 6,500 डॉक्टर समेत होगी 30,000 नियुक्तियां, तीसरी लहर की यहाँ पर तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, 14,000 एएनएम जीएनएम व 7,000 तकनीकी सेवा से भरे जाएंगे पद। 15 सितंबर तक सभी पदों को भरे जाने का स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा। स्वास्थ्य विभाग में इन पदों पर होगी बहाली। सामान्य विशेष डॉक्टर के लिए 6,338 पद है, आयुष डॉक्टर के 3,270 है, जीएनएम के लिए 4,671 और एएनएम के लिए यहाँ पर 9,233 है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी चिकित्सकों की भी होगी बहाली। जिलों से एनएम के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग कई अहम कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया है। हमारा लक्ष्य 15 सितंबर तक इन पदों को भरने का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है, क्या कंप्लीट यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एनएचएम वैकेंसी 2021 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली। 6,500 डॉक्टर समेत होंगी 30,000 नियुक्तियां। जी हाँ दोस्तों, तीस लहर की यहाँ पर तैयारी है। सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सरकार 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां करेंगी। नई नियुक्तियों में अकेले सामान्य और विशेष डॉक्टर मिलाकर करीब 6,500 पदों को भरा जाएगा। 6,338 सामान्य विशेषज्ञ डॉक्टर बहाल होंगे। जहां दोस्तों स्वास्थ्य सूत्रों की माने तो वर्ष 2021-22 के सितंबर के मध्य तक विभाग ने 6,338 सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इनके अलावा 3,270 आयुष डॉक्टरों की बहाली भी होगी, जिसमें आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी पद्धति के चिकित्सक होंगे। जी हाँ दोस्तों, 14,000 एएनएम जीएनएम के पद भी भरे जाएंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टरों के साथ ही करीब 14,000 एएनएम और जीएनएम की भी बहाली की जाएगी अगले दो महीनों में। जी हाँ दोस्तों, अगले दो महीनों में यहाँ पर बहाली करने की विभाग की पूरी योजना है। इसमें 4,671 जीएनएम और 9,233 एएनएम है। इन पदों के साथ ही तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 7,000 पदों पर भी नियुक्तियां होंगी। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दी गई है। जिलों में एएनएम के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव के स्तर पर नियुक्तियों का फैसला लिए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल किशोर ने एएनएम संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जिलों से खाली पदों का ब्यौरा तलब किया है। निर्देश दिए गए हैं कि बिंदुवार आरक्षित वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का आकलन करते हुए स्वास्थ्य मुख्यालय को रिक्त पदों का ब्यौरा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंप्लीट अपडेट है। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने जा रही है। जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगी तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके एंड में आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑफिशियल लिंक दिया गया है। जब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज होगी तो आपको यहीं पर लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप यहाँ से इस लिंक पर विजिट कर सकते हो। वैकेंसीज का यहाँ पर ये सेक्शन है। इंपॉर्टेंट अपडेट के अंतर्गत आपको यहीं पर नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और यहाँ पर ऐसे ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जब से ऑनलाइन आवेदन होंगे तो आप हमारे पोर्टल से डायरेक्टली इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।